नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पवित्र मनन दीप के तत्वाधान में दिव्य बैठक, भजन पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने कहा, जो लोग जीवन में धर्म को धारण करते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, ऐसे लोगों का ईश्वर कभी भी साथ नहीं छोड़ते। ऐसे लोग परमात्मा के नजदीक जाना शुरू हो जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, ईश्वर की भक्ति से हमें हीरे जैसा जन्म प्राप्त होता है और हमें मोक्ष मिलता है। इसलिए सब लोगों को पौष्टिक आहार का सेवन करके सात्विकता से दिन बिता के अच्छे आचरण के साथ प्रभु भक्ति करनी चाहिए, जो हमारा जीवन सफल हो, हमें इस लोक और परलोक की खुशी मिले। उन्होंने कहा, जिनके जीवन का प्रभु भक्ति का लक्ष्य नहीं होता, ऐसे लोगों का जीवन बेकार हो जाता है। इस दौरान कालू राजा द्वारा गुरु महिमा के सुंदर भजनों का गुणगान किया गया। वहीं गुरुदेव ने सत्संग परिवार के साथ भारत माता का विशेष पूजन किया और आरती करके प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान पवित्र मनन दीप के संस्थापक एवं विख्यात ज्योतिषी गुरुदेव भास्कर भारद्वाज, गायक कलाकार कालू राजा, सचिव संस्कार उर्फ गोली प्रजापत, मीडिया प्रभारी पवन योगी, दुर्गेश उर्फ चिंटू योगी, बिरला देवी, जगदम्बा देवी, संतरा देवी, प्रेम देवी, केला देवी सहित श्रद्धालु गण मौजूद रहे। देव प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।